गाइस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोग्रामर्स का कोडिंग सीखने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पांच ऐसे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स जो कि आप क्विकली बहुत ही कम नॉलेज के साथ एंड्रॉयड की अपने रिज्यूमे में हाईएस्ट इम्पैक्ट डालकर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है एक एक्सपेंस ट्रैकर। मान लो हम पांच छह दोस्त हैं जो कि एक पार्टी में जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों ने चाय वाय पी ली, मान लो कुछ बिस्किट वगैरह खरीद लिए, मान लो हमने और खर्चे करे यार, ट्रेन का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, बस का खर्चा, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये खरीदा वो खरीदा, ये सारे जब खर्चे होते हैं तो तीन लोगों में से मान लो आपका एक दोस्त सब कुछ पे कर रहा है, कुछ समय में एक तीसरा दोस्त है आपका वो पे कर रहा है, तो ये तीन लोग जो हैं ये मिलकर पे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। और आप लोगों को ये पता करना है कि एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि जब ये ट्रिप एंड हो जाएगी तो आपके किस दोस्त ने कितने पैसे देने हैं। ये अगर आप लोगों को पता लगाना है तो आप लोग एक सिंपल इक्विवेलेंट जावा प्रोग्राम इस चीज़ का लिख सकते हो। अगर ए ने 100 रुपये दिए, बी ने 10 रुपये दिए, सी ने 1000 रुपये दिए, तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि अगर तीनों लोग बराबर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किसके कितने देने बनते हैं। तो सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो है एक इक्विवेलेंट जावा प्रोग्राम लिखना। अगर आप लोग जावा को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, आप लोग उसका एक अलग से जावा प्रोग्राम लिख लें। और एक बार आप लोगों ने अलग से जावा प्रोग्राम लिख लिया तो आप लोगों के लिए उसको एंड्रॉयड में क्लब करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि एक सिंपल से इंट्रोडक्शन बात जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लर्न एंड्रॉइड इन वन वीडियो में दे रखा है, उसको देखने के बाद भी आप बना सकते हैं। और एक ऐसी ऐप है ये जिसको आप अपडेट कर करके प्ले स्टोर पे भी इन द फ्यूचर डाल सकते हैं कुछ एडवांस फीचर्स के साथ। और सेम ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि यार अगर दो लोग जो हैं किसी एक चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सिर्फ वो लोगों में वो चीज़ शेयर की जाएगी। एक मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा इन सब चीज़ों का और आप लोग उस मैथमेटिकल फार्मूले की सहायता से सब कुछ निकाल लेंगे कि किसके कितने बनते हैं। बट मैं कहूँगा स्टार्ट करें एक बेसिक सी ऐप से, एक ऐसी ऐप से जो कि तीन लोग अगर पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ने 100 किया तो आपने उसको डेटाबेस में लॉक कर दिया। मैंने सब कुछ बता रखा है अपने वीडियोस में, आपने अपनी फाइल में या फिर शेयर्ड प्रेफरेंसेस वगैरह में भी अगर उसको लॉक किया तो आप लोग जो है उसको वहां से उठा पाएंगे। और वहां से उठाने के बाद आप लोग एंड में एक पूरी कैलकुलेशन कर पाएंगे कि किसके कितने बनते हैं एट द एंड। तो एक एक्सपेंस ट्रैकर इज एन अमेजिंग ऐप फॉर एंड्रॉइड बिगिनर्स और मजा आने वाला है यार आप लोगों को इसको बनाने में, तो जरूर ट्राई आउट करना। और अगर आप लोगों ने बनाई या फिर अगर प्ले स्टोर पर डाली तो मुझे जरूर दिखाना। दूसरी ऐप जो मैं यहां पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह है टिक टैक टो गेम। या टिक टैक टो गेम किसने नहीं खेला होगा, मैंने खेला होगा, आपने तो खेला ही होगा। और उसी के साथ साथ आप लोग जो है इसमें चिड़िया काटा भी बोलते हैं इसको, एक्स कहीं पर लगाते हैं, जीरो कहीं पर लगाते हैं, और जैसे ही आप एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेस या फिर जीरोस लगा देते हैं तो आप उसको सीधा मिलाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको विजेता घोषित कर सकते हैं इंसान को जिसने एक सीरीज में यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में एक्स या जीरो बनाए हैं। आप लोग इस गेम से अवेयर होंगे। मैंने इस गेम को अपने एंड्रॉयड वाला जो मेरा 34 वीडियो की मेरी सीरीज है एंड्रॉयड की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देखना, उसमें मैंने बनवा कर सिखा रखा है। एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ आप इस गेम को बना सकते हैं। कुछ आप लोगों स्प्राइट्स वगैरह यानी कि इमेजेस एक्स की और जीरोस की वो आपको इंटरनेट से उठानी पड़ती हैं, और इसको भी मजा आने वाला है आपको बनाने में। आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, और अगर आप लोगों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता है नहीं बन पा रहा है मेरे से, तो यार वीडियोज मैंने डाल रखे हैं उनको देखना। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगा और वो है हमारा यूनिट कन्वर्टर। आप किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो किलोग्राम टू ग्राम्स और आपका सेंटीमीटर टू मीटर्स, और आप बहुत सारी यूनिट्स चुन सकते हैं और इनके सारे कन्वर्जन फैक्टर्स को आप एक जगह पर लिख सकते हैं कहीं पर कि भाई अगर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 73 या 72 जो भी चल रहा है आप वो लिख दें। उसके बाद आप लोग जो है अगर रुपीस को पाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका आप लोग लिख दें, या फिर आप किलोग्राम्स को ग्राम्स में, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, इस सब के आप कन्वर्जन फैक्टर्स लिख दें। और ये लिखने के बाद आप लोगों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आप लोगों को वहाँ पर जो है रिजल्ट आपकी ऐप दे दे। ये सुनने में एक बहुत सिंपल और आसान ऐप लगती है, लेकिन इसी ऐप को आप लोग अच्छे से एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बना सकते हैं। इन द फ्यूचर इसमें वॉइस कमांड्स वगैरह डाल सकते हैं जब आप लोग एंड्रॉयड के प्रो हो जाएंगे। बट इस सुनने में तो आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी ऐप लगती है, लेकिन यही एप्लीकेशन अगर आप लोग बनाते हैं तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस के साथ साथ आप लोग इसी ऐप में वॉइस कमांड्स वगैरह अगर ऐड करके इसको प्ले स्टोर पर डालते हैं तो आपकी ऐप के हिट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
मैं चलना चाहूंगा अपनी चौथी ऐप पर, जो कि है हमारी नोट्स टेकिंग ऐप। यही ऐप आप एक पासवर्ड मैनेजर के तौर पे भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है पासवर्ड्स के अंदर, इसीलिए आप लोग पासवर्ड्स के साथ खिलवाड़ एज अ बिगिनर ना करें। बट आप लोग जो है एक नोट्स टेकिंग ऐप बना सकते हैं, जिसमें कि आप लोग क्विक नोट्स ले लें। जैसे मान लो आप सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं मार्केट में, अब आप लोगों को लिखना है कि क्या चीज़ लेकर आनी है। मान लो आप लोगों को 1 किलो भिंडी लानी है, 2 किलो प्याज लानी है, और आपकी मम्मी जो है आप लोगों को पीछे से 2 किलो टमाटर भी बोल देती हैं, और आपके पापा जो है पीछे से बोल देते हैं आपको कि यार 1 किलो दाल भी ले आना, और आप लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें बैठती नहीं है, तो आप लोग इसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन ज़रूर हैं ऐप्स में, बता रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, उसमें आप लोगों के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ज़रूर हैं। बट मैं आप लोगों को ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एज एन एंड्रॉयड बिगिनर कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। आप लोग इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट्स टेकिंग ऐप का ही एग्जाम्पल ले लें, तो बहुत सारी नोट्स टेकिंग ऐप आपकी मार्केट में आ गई हैं। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं ये फीचर्स ऐड कर दूँ अपनी इस नोट्स टेकिंग ऐप में, अगर इस ऐप में ये वाला फीचर होता तो कितना अच्छा होता। तो ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आप लोग एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के द्वारा। ये मजा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, और हो सकता है कि वो फीचर जो कि आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऐप में होना चाहिए, वो फीचर अगर आप कम्युनिटी को देते हो, प्ले स्टोर में डालकर सब लोगों को प्रदान कराते हो, तो हो सकता है कि यार लोग बोलें कि यार ये ऐप जो है इस ऐप से भी बेटर है क्योंकि इसमें ये है। या फिर आप लोगों को हो सकता है अपने वो चुनिंदा लोग मिल जाएं जो कि उस फीचर में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो लोग 100, 200, 250, 400 भी क्यों ना हो। आप पेड ऐप्स बना सकते हो, बहुत स्कोप होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। इसलिए ये जो छोटी छोटी ऐप्स हैं, अगर आप इनको बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उसके बाद आप किसी भी ऐप को एक एडवांस लेवल पर ले जाकर उनमें चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ही जो नोट्स टेकिंग ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उसमें सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो, आप नोट्स लेकर आप सेव कर सकते हो उसको फोन के अंदर रूम डेटाबेस की सहायता से, जिसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग को बता रखा है। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड कोर्स जो है इज़ ऑन इट्स वे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे टाइम लगेगा तो मैं कोई भी डेट वगैरह अनाउंस नहीं करूँगा, बट मैं जल्दी डालूंगा एक एंड्रॉयड इन वन वीडियो विद नोट्स। और वो जो होने वाला है ना वीडियो, अगर नहीं मैं कर पाया उस वीडियो को जल्दी, मैं बिजी हूँ मे बी, लेकिन अगर मैंने कर दिया उस वीडियो को, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो कि आप लोग को मिल सकता है। तो आप देखते रहना, जैसे ही वो वीडियो मैं ड्रॉप करता हूँ उसको सब लोग ज़रूर वॉच करना। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं कोडिंग या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। इसी के बात करूँ नोट्स टेकिंग ऐप की, तो नोट्स टेकिंग ऐप में आप लोगों को बहुत एडवांस फीचर्स ऐड करके प्ले स्टोर पर डालना होगा, अगर आप चाहते हैं आपकी ऐप हिट हो, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक ऐप है जो हर कोई बनाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये सपने नहीं दिखाऊंगा कि यार नोट्स टेकिंग ऐप डाल दो प्ले स्टोर में और करोड़पति बन जाओ। इट डजंट वर्क लाइक दिस। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे तो एक टाइम पर आप एक ऐसी ऐप जरूर बना लेंगे जिससे कि आप बहुत सारे पैसे जरूर कमा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी ऐप जो आप लोग बना सकते हैं वो है फिटनेस ट्रैकिंग ऐप। आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बेसिक कैलोरी काउंटिंग के साथ। ये एक ऐसी ऐप है ना जिसको आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इस तरह की ऐप्स बहुत पैसों में प्ले स्टोर में मिलती है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा, बट आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सिर्फ कैलोरी काउंटिंग को डालकर लॉक करने में, कुछ सिंपल से ग्राफ्स प्लॉट करने में। अगर आप ये काम फ्री में प्रदान करा के प्ले स्टोर पे एक ऐप डाल देते हैं, तो इज अ हाई चांस कि वो बहुत हिट होगी प्ले स्टोर पर। बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं इस तरह की मार्केट में, बट मोस्ट ऑफ दी ऐप्स जो कि मैंने देखी हैं फुल फीचर्स के साथ सब्सक्रिप्शन में आती हैं, आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छी ऐप बनाते हैं, बेसिक ऐप बनाते हैं और उसको प्ले स्टोर पे डालते हैं, तो डेफिनेटली लोग उसको बहुत ज़्यादा डाउनलोड करेंगे। बस आप लोगों को कुछ एडवांस अलग से फीचर उसमें देने पड़ेंगे। इट डजंट हैव टू बी वेरी बेसिक। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल कैलोरी काउंटिंग लगा के रूम डेटाबेस में आपने स्टोर करा दिया और उसके बाद आप लोग चाह रहे हैं कि यार आपकी जो ऐप है वो पूरी दुनिया डाउनलोड कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। आपको स्टार्ट करना है एक ऐप को बना रहे हो जब आप ये फिटनेस वाली, कि आप मैं यूज़ करूँगा इसको। मैंने जब बनाई थी अपनी पर्सनल फिटनेस ऐप, मैंने ऐसे बनाई थी यार मुझे इसको यूज़ करना है, और मैंने उसमें अपनी कैलोरी काउंटिंग करी। फिर उसके बाद मुझे उसको यूज़ करते में जो प्रॉब्लम आई मैंने उसको सॉल्व किया, फिर मैं उसको एक स्टेज पर ले गया, मैंने अपने दोस्तों में बांट दी, उनसे फीडबैक लिया कि यार मैंने ये बनाई है कैसी लग रही है, ये कैसी है, किसको क्या फीचर्स चाहिए। तो एक छोटी कम्युनिटी के फीडबैक से आप लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक ऐसे प्रोडक्ट पर आप लोग अराइव करेंगे यार अब ये ऐप ऐसी ऐप बन चुकी है कि मैं इसको प्ले स्टोर पर डालूंगा या डालूंगी। और आप अगर उसको डालने के बाद
और इम्प्रूव करते जाएंगे, यानी कि एक बड़ी कम्युनिटी का फीडबैक आप लोगों को मिलता जाएगा, तो आपकी वो जो ऐप है वो एक एंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट बन जाएगा अगर आप लोग उसमें बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करके फीचर्स ऐड करते हैं तो। बट यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि बिल्कुल भी इसके बारे में आपको भी सोचना नहीं है कि यार मुझे एक ऐसी ऐप बनानी है जो कि मुझे करोड़पति बना दे या फिर लाखों लोग उसको डाउनलोड कर लें। अभी सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो, उसके बाद अपने दोस्तों को दो वो ऐप और उनसे पूछो कि यार क्या ये फीचर्स काफ़ी हैं एक इस तरह की फिटनेस ऐप के लिए या कोई भी ऐप आप लोग बना रहे हो तो। और उसके बाद आप लोग जा सकते हो एक ब्रॉडर कम्युनिटी की तरफ। आई होप कि आप लोग ये 5 एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाओगे और आप लोगों को ये प्रोजेक्ट्स पसंद आए होंगे। मुझे बताना कि इन 5ों में सबसे अच्छा आप लोगों को प्रोजेक्ट कौन सा लगा, कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो आप सबसे पहले बनाना चाहते हो। अगले बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा लर्न एंड्रॉयड इन 1 वीडियो ज़रूर से देखो। मैं चाहता हूँ अभी के अभी आप लोग देखो, आप लोग एक ऐप बनाना तो सीख जाओगे, बिना आलस के आप इस वीडियो के बाद जाएँ लर्न एंड्रॉयड इन 1 वीडियो को देखें जाकर, और उसमें देखें मैंने कैसे एक सिंपल बेसिक ऐप बना रखी है और उसको आप किस तरह से स्केल अप करके और फीचर्स ऐड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग जाकर देख सकते हो लर्न एंड्रॉयड इन 1 वीडियो में। एक छोटा वीडियो है और काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाएगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।